ये है वक्त मीडिया। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के नूरपुर में 15 नवंबर 2020 को एक शाम डॉक्टर श्रवण सिंह की याद में कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का आयोजन किया गया। प्रोग्राम का उद्घाटन बीबी जसपाल कौर पूर्व सभासद नगर पालिका परिषद नूरपुर ने किया। मुख्य अतिथि रहे अमरीक सिंह लवली प्रबंधक फार्मा। अध्यक्षता डॉक्टर निशांत यादव प्रधानाचार्य ने की। प्रोग्राम के कन्वीनर रहे नूरपुर के उभरते हुए शायर गुरुचरण सिंह अजीज। एक मुकामी शायर से इस प्रोग्राम के गजल का आगाज करने जा रहा हूँ जी, कि मैं तो कृष्ण बिहारी नूर फरमाते हैं जब शायर गजल पढ़ता है तो ये देखिए उसकी अक्कासी देखिए कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। ये नईम राजा नूरपुरी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि बराकरम माइक पर तशरीफ लाए, नईम राजा साहब तशरीफ लाए और कलाम बलागत से नवाजे। जनाब नईम राजा साहब आपके मुकामी शायर हैं, काबिल एहतराम है, जोरदार तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए। सदर मोहतरम और नाज़िम मुशायरा हाजी शमशाद साहिब और अशोक चौधरी साहिब जो मेरे बचपन के साथी हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि आज वो यहाँ मौजूद हैं। बहरहाल सभी शोरा ग्राम और सामाईन हजरात, गजल से पहले चंद मुतफरिक अशआर अर्ज करता हूँ जी, शायद चार मिसरों के साथ शुरू करता हूँ जी जी, शायद अर्ज करता हूँ कि झुलस के प्यार के मौसम मिले हैं, झुलस के प्यार के मौसम मिले हैं, बहारों में ये कैसे गम मिले हैं, बहारों में ये कैसे गम मिले हैं, झुलस के प्यार के मौसम मिले हैं, बहारों में ये कैसे गम मिले हैं। और कहता हूँ कि बहुत करता है वो यारों की बातें, बहुत करता है वो यारों की बातें, उसे धोखे अभी कुछ कम मिले, बहुत करता है वो यारों की बातें, उसे धोखे अभी कुछ कम मिले हैं। चार मिसरे और अर्ज करता हूँ एक ही गजल के, अर्ज करता हूँ कि उसकी सूरत चांद का टुकड़ा नजर आई है, उसकी सूरत चांद का टुकड़ा नजर आई है, अब्र की तरह ख्यालों पे मेरे छाई है, उसकी सूरत चांद का टुकड़ा नजर आई है, अब्र की तरह ख्यालों पे मेरे छाई है, और फतेह के बाद ही लौटूंगा मैदान जंग से, फतेह के बाद ही लौटूंगा मैदान जंग से, तुझ ही बेतमाद है तेरी ही कसम खाई है, तुझ ही बेतमाद है, तुझ ही बेतमाद है तेरी ही कसम खाई है। और चार मिसरे और अर्ज करता हूँ जी, शायद अर्ज करता हूँ कि उदास चेहरे को खिलता गुलाब कर दूंगा, उदास चेहरे को खिलता गुलाब कर दूंगा, मैं हर नजर में तुझे इंतखाब कर दूंगा, उदास चेहरे को खिलता गुलाब कर दूंगा, मैं हर नजर में तुझे इंतखाब कर दूंगा, और वफा के जख्मी परिंदे तेरे लहू की कसम, वफा के जख्मी परिंदे तेरे लहू की कसम, तेरे शिकारी का खाना खराब कर दूंगा, वफा के जख्मी परिंदे तेरे लहू की कसम, तेरे शिकारी का खाना खराब कर दूंगा। और गजल का मतलब समाप्त फरमाए, आज करता हूँ कि हमें खबर भी नहीं किसकी याद आती है। वाह 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 नाज़िम साहब जी जी, तवज्जो चाहूंगा, कहता हूँ कि हमें खबर भी नहीं किसकी याद आती है, ये आस्तीन मगर रोज भीग जाती है, हमें खबर भी नहीं किसकी याद आती है, ये आस्तीन मगर रोज भीग जाती है। और कहता हूँ कि बहुत लुभाते हैं चिड़ियों के घोंसले उसको जी, बहुत लुभाते हैं चिड़ियों के घोंसले उसको, हथेलियों पे वो मेहंदी से घर बनाती है, बहुत लुभाते हैं चिड़ियों के घोंसले उसको,
अक्सर उदास रहती थी, हमारे साथ तो अक्सर उदास रहती थी, ये जिंदगी तेरी बाहों में मुस्कुराती है। हमारे साथ तो अक्सर उदास रहती थी, हमारे साथ तो अक्सर उदास रहती थी, ये जिंदगी तेरी बाहों में मुस्कुराती है। और जमाना एक दिन तेरे खिलाफ भी होगा, जमाना एक दिन तेरे खिलाफ भी होगा, ये शोहरतों की फिजा किसको रास आती है। जमाना एक दिन तेरे खिलाफ भी होगा, ये शोहरतों की फिजा किसको रास आती है। और मक्ता समाप्त फरमाए, कहता हूँ कि करिश्मा देखिए माँ की मोहब्बतों का नहीं, करिश्मा देखिए माँ की मोहब्बतों का नहीं, वो नन्हे कदमों की आहट पे जाग जाती है। करिश्मा देखिए माँ की मोहब्बतों का नहीं, वो नन्हे कदमों की आहट पे जाग जाती है। वाह 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 वाह, देखिए बहुत अच्छा कलाम, हाँ काबिले तारीफ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ के सामईन में उन्होंने बेदारी पैदा की अपने कलाम से, और ये मुझे और ज्यादा अच्छा लगा कि मुकामी शायर को आपने बहुत खुलूस के साथ नवाजा, बहुत दादो तहसीन से नवाजा, इसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि जो मुकामी शायर हैं उनकी हौसला अफजाई बहुत जरूरी है। हजरत अब मैं